वाकिब कहां था जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। अब हम आज थोड़ा जोश ज्यादा है, क्योंकि आज की स्टोरी कुछ ऐसी है। अब हम बात करेंगे सत्येंद्र सिंह लोहिया की उपलब्धि के बारे में। सत्येंद्र सिंह लोहिया को वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर्स अवार्ड तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 द्वारा अवार्ड किया गया। ये अवार्ड लेने वाले सत्येंद्र सिंह देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी होंगे। 2019 में सत्येंद्र सिंह ने 42 किलोमीटर लंबी अमेरिका की कैटलिना चैनल को मात्र 11 घंटे 39 मिनट में पार कर एशिया के सबसे बड़े पैरालंपिक स्विमर बन गए। वहीं ईयर 2019 में सत्येंद्र सिंह को नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी का अवार्ड भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया। वर्ष 2018 में इंग्लिश चैनल स्विमिंग पार करने वाले सत्येंद्र सिंह ने इस चैनल को मात्र 12 घंटे और 24 मिनट में पूरी की और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2007 से स्विमिंग शुरू करने वाले सत्येंद्र सिंह ने 2007 से 2017 तक के 10 साल में 7 नेशनल पैरालंपिक स्विमिंग नेशन चैंपियनशिप में कुल 21 पदक अपने नाम किए। सत्येंद्र सिंह ने इसके साथ ही 3 इंटरनेशनल पैरालंपिक चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया। अब हम बात करने वाले हैं सत्येंद्र सिंह की इस सक्सेस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलने वाली है। पहला सीख है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर स्ट्रेंथ। हमें हमारी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें हमारी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सत्येंद्र सिंह ने उन चीजों को, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया। उनके पास डिसेबिलिटी थी, उन्होंने अपने हाथों को ज्यादा मजबूत किया, अपने हाथों को मजबूत कर अपने सक्सेस तक पहुंचे वो। दूसरा है, हमें उन चीजों के लिए क्राई नहीं करना जो हमारे पास नहीं है। सत्येंद्र सिंह कहते हैं कि उन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी को कभी अपने माइंड में आने ही नहीं दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी को मेंटली डिसेबिलिटी कभी नहीं माना, उसको सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी तक ही माना है। दूसरा हमें सीख मिलता है कि फोकस ऑन आवर गोल, हमें अपने गोल पे फोकस करने की जरूरत है। सत्येंद्र सिंह की सक्सेस स्टोरी को देख के हम जब पहचान गए हैं कि सत्येंद्र सिंह ने पहले नेशनल चैंपियनशिप पे फोकस किया, उसके बाद में पूरा ध्यान उसने अपने इंटरनेशनल चैंपियनशिप पे शिफ्ट कर दिया और उसके बाद इंग्लिश और कैटलिना चैनल को पार करने में अपना पूरा फोकस लगा दिया। इसी तरह हमें भी हमारे फोकस को क्लियर करना है। तीसरा सीख है रेज योर स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड को रोज रेज करना है, बढ़ाना, अपने स्ट्रेंथ को रोज बढ़ाना है। जिस तरह सत्येंद्र सिंह ने इंग्लिश चैनल का टारगेट 12 घंटे 24 मिनट रखा था और कैटलिना चैनल का टाइम टारगेट 11 घंटे 39 मिनट रखा था, इस टारगेट को उसने अपने पूरे घर में सब जगह डिस्प्ले कर दिया था, पूरी दुनिया को बता दिया था कि उसका टारगेट 11.39 है। चौथा सीख है कीप आवर मेंटर्स ब्लेसिंग, हमें अपने मेंटर को हमेशा साथ रखना है। हमें हमारे मेंटर से हर बात ही सीखना है कि आने वाले हर मैच में, आने वाले हर सक्सेस के लिए उसको किस तरह तैयार होना है। इसलिए आपको भी अपनी जिंदगी में अपने मेंटर को सिलेक्ट करना है और अपने मेंटर को अपने अचीवमेंट के बारे में क्लियर कट बताना है, अपने फोकस को क्लियर करना है। आज सत्येंद्र सिंह की ये सक्सेस स्टोरी आज हमें ये बताती है कि फिजिकल डिसेबिलिटी हमारे फिजिकल तक रहनी चाहिए, हमारे माइंड में नहीं जानी चाहिए। और दूसरी तरफ सत्येंद्र सिंह की सक्सेस स्टोरी हमें ये भी बताती है कि अगर फिजिकली डिसेबल आदमी दुनिया में इस तरह परचम लहरा सकता है तो हम कुछ भी
कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। हेलो मित्रों, मैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक खिलाड़ी। ये हम इस कारण से कर पाए क्योंकि हमारी जो दिव्यांगता है वो हमने कभी अपनी दिव्यांगता को कमी नहीं समझा। हमने जो कमी है वो कमी को ही हमने अपनी ताकत बनाई और तब कभी जाकर हमने ये अचीवमेंट अपने प्रदेश और देश के लिए दिलाए। क्योंकि मेरा मानना है कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है, उसे चाहे शारीरिक दिव्यांग हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके जीवन में कोई मैटर नहीं करती है। मैटर करती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति और उसकी सोच कितनी मजबूत है, इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मेरा मानना है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिव्यांगता कोई रुकावट नहीं आती। जो दिव्यांगता होती है वो कोई शरीर की नहीं होती, वो मन और सोच की होती है। क्योंकि कहते हैं डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। जो व्यक्ति की सोच और मन और व्यवहार है वही विकलांगता है, शरीर की कोई विकलांगता नहीं होती। उस शख्स को कोई क्या गिरा पाया जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया।